अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, मैंने अपने शेड में जब भी चेंजेस किए हैं, मैंने जो है वो कोई ना कोई वीडियो ज़रूर अपलोड की है आप दोस्तों के लिए, आपको दिखाया कि मैं क्या चेंजेस कर रहा हूँ, ताकि आप दोस्तों को भी जो है कोई ना कोई आइडिया मिल सके। तो इस दफ़ा जो है मैंने अपनी शेड में, पूरे शेड में ग्रीन नेट का इस्तेमाल किया है, ताकि जो है वो बर्ड को धूप से भी बचाया जा सके और साथ साथ उनको प्राइवेसी भी दी जा सके। तो जो ग्रीन नेट जो है वो मैंने जो दीवार खड़ी की है वो जावा वाली साइड से स्टार्ट की है, क्योंकि नीचे मेरी जावा लगी हुई है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने इसको तकरीबन 8 फुट की हाइट पर जो है वो ग्रीन नेट की दीवार खड़ी की है, ताकि कभी कभार ऐसा होता था कि दूर से जो लोग छतों पर चढ़ते थे, आसपास से देखते थे, उससे बर्ड डिस्टर्ब होते थे, स्पेशली जो सन कनोर्स हैं वो काफ़ी शोर करते थे। तो मैंने जो है उनको प्राइवेसी दे दी और अभी जो है कोई बर्ड्स को नहीं देख सकता और बर्ड्स किसी और को नहीं देख सकते। तो चारों तरफ से जो है वो मैंने ग्रीन नेट का इस्तेमाल किया है। अभी ग्रीन नेट में जो आप देख रहे हैं, इसमें जो है मेरे पास दो चॉइसेस थी। देखें, यहाँ पे जो है मैंने क्योंकि इसको छत को बांधने के लिए कुछ था नहीं, तो इसलिए जो है यहाँ पे लोहे का इस्तेमाल किया है। लोहे का पूरा एक फ्रेम बना है, उसके ऊपर जो है वो एक पूरा फ्रेम बना है और उस फ्रेम के ऊपर जो है वो ग्रीन नेट को टाइट कर दिया है, जैसा कि आपने छत में देखा है, जो कि जो है वो डोरी से खींचने से चलती है और डोरी से खींचने से पीछे चली जाती है। अभी यहाँ पर जो है वो मैंने थोड़ा सा अपना खर्चा बचाया, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली जो है लोहे के पाइप लगने थे। ये जो भी आप दीवार देख रहे हैं इसमें लोहे के पाइप लगने थे और उसमें जो है वो एक्सपेंस काफ़ी आ रहा था। तो मैंने जो है वो यही सोचा कि क्यों ना सिर्फ दीवार ही खड़ी करनी है, हमें इसको मूव तो करना नहीं है। तो मैंने जो है वो बांसों का इस्तेमाल किया है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे जो है वो आपको बांस नज़र आएंगे। बांस के जो है हमने जो है वो पर्दे से खड़े किए हैं और ऊपर भी जो है वो बांस को अच्छी तरह से बांध दिया, ताकि जब कोई तेज़ आंधी तूफान आए तो वो हिले नहीं। और नीचे से थोड़ी सी वेंटिलेशन भी छोड़ दी, अगर कभी हवा का जो है वो रुके तो यहाँ पर आराम से हवा आ जाए। और ये छत जो है, ये जो छत का जो हिस्सा है, ये मैंने जो बड़ी बड़ी फ्लाइट है इसको मैंने कवर किया है, और उसके जो साथ वाला हिस्सा है वो भी मैंने जो है वो ओपन था, इसलिए उसको कवर कर दिया है। और इसको जो है वो ग्रीन नेट को आगे तक लेके आया हूं, अगर मुझे यहां पे अपनी फ्लाइट के बाहर बैठना पड़े तो मैं इजीली बैठ सकता हूं। उसके बाद ये जो आप छत देख रहे हैं, छत जनाब ये जो है वो उन्होंने बनाई है, बिल्कुल जो लोहे की तारें होती हैं उनको बिल्कुल टाइट कर दिया और इसमें जो है वो रिंग डाल दी हैं। और जो है प्रॉब्लम ये आ रही थी कि पीछे से जो है ना, अगर वापस इसको खींचना है तो पीछे से खींचना पड़ेगा, तो इसलिए डोरी एक लंबी बना दी, और डोरी लंबी जो है वो भी आगे ही हमने कर दी कि जो भी है वो खींचेगा तो ये पीछे चली जाएगी और आगे से ही खींचने से ये आगे आ जाएगी। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं कि ये जो है वो ग्रीन नेट को हाइट पे रखने के लिए पीछे भी एंगल लगाए गए हैं और ग्रीन नेट को थोड़ा हाइट पे रखा गया है, ताकि जो है वो परिंदे मुंह मार के इसको खाएं नहीं, इसको फाड़े नहीं। और वैसे भी जो है ग्रीन नेट को थोड़ा हाइट पे रखना चाहिए, ताकि धूप की तपिश और कम हो जाए। और जो ग्रीन नेट आप देख रहे हैं ये अच्छी क्वालिटी की, हाई क्वालिटी की इस्तेमाल की गई है, ताकि इसमें से ग्रीन नेट, कुछ ग्रीन नेट ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल अंधेरा कर देती हैं, तो जो है वो अच्छी टॉप क्वालिटी की ग्रीन नेट इस्तेमाल की गई है, ताकि जो है इसमें से धूप भी आए और रोशनी भी आए और हवा भी आए और हवा की ब्लॉकेज ना हो, नीचे अंधेरा ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये सारा सेटअप अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।